तो चलिए आज हम आपके साथ डिस्कस करते हैं पिवट टेबल का दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट। हमने पहले पार्ट में पिवट टेबल में समराइजेशन के बारे में सीखा था कि किस तरह से समरी होता है। फिर हमने दूसरे पार्ट में आपको बताया कि उसकी शॉर्टिंग ग्रुपिंग वगैरह कैसे करेंगे। और तीसरा पार्ट हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन की, पिवट टेबल के अंदर में हम अपनी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। कैलकुलेशन हम नॉर्मल कैलकुलेशन भी करते हैं, लेकिन नॉर्मल कैलकुलेशन ना करके हम पिवट कैलकुलेशंस के बारे में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एमआरपी है, मैं यहाँ से इस सेल में से मान लीजिए कि अमाउंट को हटा देता हूँ, राइट। और उसके बाद अगर मैं इस पे पिवट टेबल मैंने यहाँ लगाया, और इसमें मान लीजिए कि हमने मैनेजर्स को ले लिया यहाँ पे, नहीं मैनेजर्स नहीं लेता हूँ मैं, मान लीजिए कि सेल्स मैनेजर्स को लेता हूँ यहाँ पे, और हमने इसकी क्वांटिटी को यहाँ पे रख दिया, टोटल आ गया। अब मुझे क्या करना है कि इनके टारगेट्स, जो इनके टारगेट्स के साथ इनके कंपेयरिंग करना है मुझे। तो हमने सबसे नीचे आया यहाँ पे, और हमने यहाँ पे टारगेट, पंद्रह हजार हम रख देते हैं। लेकिन हमारे पिवट में आपका रिफ्रेश करने पे वो टारगेट ऐड नहीं हुआ। अब इस चीज को ध्यान से देखिएगा। देखिए पिवट डेटा में कुछ भी चेंजिंग करते हैं तो आप पिवट पे जैसे ही रिफ्रेश करेंगे आपका डेटा डबल हो जाएगा, जस्ट रिफ्रेश करते ही। लेकिन हमने पिवट, हमने डेटा में एक नया डेटा को ऐड किया हुआ है, तो ये आपको पिवट में रिफ्रेश करने से नहीं आएंगे। इसके लिए आपको एनालाइज में जाके चेंज सोर्स डेटा पे जाना पड़ेगा और इसको पिवट को दोबारा से रीसेलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपके सामने टारगेट आएगा। तो मेरे पास टारगेट आ गया। अब मुझे क्या करना है कि हर एक नंबर को, जैसे कि यहाँ पे आपका B4 है, B4 डिवाइड बाई 15,000, ताकि मुझे परसेंटेज आ सके कि हाँ इतना परसेंट हमने इसने सेल किया हुआ है, ये जो हमने नॉर्मली निकाला हुआ है। तो ये चीजें हम नॉर्मली निकाल सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये पिवट का पार्ट नहीं है। कल के रेट में ऊपर नीचे होगा, या फिर अगर इसमें पिवट में नई फील्ड, जैसे मान लीजिए मैंने MRP रख दिया इसके अंदर, तो क्या होगा, ओवरराइड कर देगा इसको, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इसकी कैलकुलेशन पिवट के अंदर ही हो, तो हम क्वांटिटी को एक बार और यहां रखते हैं। हाँ, एक चीज और यहां पे नोट कर लें कि आपके पास रो कॉलन एंड फिल्टर तीन लेवल है, इन तीनों में आप जो है किसी एक फील्ड को एक बार ही रख सकते हैं, लेकिन वैल्यू में किसी भी फील्ड को मोर देन वन टाइम रखा जा सकता है। फिर यहाँ पे क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाए, जहां हमने आपको बताया था कि हम सम काउंट एवरेज मैक्सिमम मिनिमम वगैरह सेलेक्ट करते हैं, उसी के बगल में आपको दिखेगा शो वैल्यू एज। शो वैल्यू एज पे जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे होगा नो कैलकुलेशन। अब इस नो कैलकुलेशन को हम चेंज करते हैं और देते हैं परसेंटेज ऑफ, और परसेंटेज ऑफ किसका, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सेल्स पर्सन, क्योंकि यहाँ पे सेल्स पर्सन है, और सेल्स पर्सन में हम नीचे टारगेट को सिलेक्ट कर लेते हैं, और जैसे ओके करेंगे तो टारगेट के बिहाफ पे वो परसेंटेज यहाँ आपका शो कर देगा साइन नंबर को, और ये पिवट का पार्ट हो गया। अगर कल के डेट में मैं MRP वगैरह डालता हूं तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये पिवट का पार्ट है। उसी तरीके से आप यहाँ पे आएंगे तो इसमें और भी चीजें हैं। परसेंटेज ऑफ से पहले आप, ये होता है कि कंट्रीब्यूशन निकालना है, मान लीजिए हमको कि ओवरऑल सेल में क्या कंट्रीब्यूशन है, तो परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल, तो ये परसेंट आ गया कि भाई पूरा ओवरऑल सेल का 10%, 10%, 14% ऐसे सेल हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें ग्रांड टोटल से टोटल, पेरेंट टोटल, पेरेंट कॉलम टोटल, डिफरेंस फ्रॉम, कि मुझे डिफरेंस पता करना है कि कितना रह गया, तो डिफरेंस पता लग गया कि भाई -37 से 75 जो है सेल्स कम हुआ है टारगेट से, इतना होता
टारगेट अचीव हो जाती है। उसी तरीके से यहाँ पे आपको और भी चीजें हैं, डिफरेंस परसेंटेज है कि कितना परसेंट टारगेट रह गया है, रनिंग टोटल, क्यूमुलेटिव टोटल निकालना है, तो क्यूमुलेटिव टोटल निकल जा रहा है आपका यहाँ पे। तो सर, आप बोलिए। अभी जैसे आपने भी टारगेट इसको इसी टेबल में ले रखा, टारगेट आपके ग्राउंड टोटल में भी आ रहा है और फिर इधर भी काउंट हो रहा है जैसे रनिंग अपने टोटल किया, हाँ तो नहीं, जब आप तो परसेंटेज निकालेंगे ओपन को नहीं लेना हो तो कैसे करेंगे? नहीं तो हाँ जी, टारगेट देखिए यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि आपको परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ पे परसेंटेज हम बाहर से नहीं रख सकते, आपको इसी फील्ड के कोई को लेना पड़ेगा। जब टारगेट हमने कर लिया तो यहाँ पे आ गया। अब आप मैं यहाँ पे क्या कर रहा टारगेट हूँ, तो आ गया सर, जैसे एक मिनट, ग्राउंड टोटल से आपने लिया था अभी, तो तो मैं यहाँ ग्राउंड से टोटल में तो टारगेट टारगेट भी टारगेट को यहाँ से अनफिल्टर कर दे, नहीं फिल्टर, देखिए जब आपको टोटल निकालना है तो आपको रखिए, और जैसे टोटल के अलावा कुछ और निकालना है तो इसको फिल्टर से हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो जो तो आपका एन ए आ गया ना सर फिर। हाँ जी, इस पे हमने परसेंटेज ऑफ द था ना, मतलब कि ग्रांट टारगेट था ना, इसके अलावा कोई और जैसे कि मैंने लिख दिया परसेंटेज ऑफ ग्रांट टोटल, तो उसमें एन ए नहीं आएगा, जी यहाँ पे नहीं आएगा, नहीं आएगा, बाकी जगहों पे आएगा। जो विजुअल है उसी के टारगेट साथ, डालना ही जो पड़ेगा ना विजुअल है बिल्कुल। उसी उसी के साथ कैलकुलेशन करेगा ना सर। अच्छा नहीं, मैंने कहा जैसे भी या हाइड करवा दे अपने, कुछ इस तरह से नहीं होगा? हाइड नहीं, फिर अनफिल्टर कर, राइट क्लिक करके हाइड कर सकते हैं, एक पे हाइड कर सकते हैं, मान लीजिए मुझे मोहन को हाइड करना है, लेकिन फिर भी टोटल तो आएगा ही ना सर, टोटल रिफ्लेक्ट होगा, टोटल से हटाना है तो इसको अनफिल्टर करना पड़ेगा। तो थोड़ी सी बाउंडेशन है इसमें, अब सारा चीज चीज अगर पिवट से हो जाएगा तो पिवट बाकी ऑप्शन का कोई यूज ही नहीं करेगा, सिर्फ पिवट का यूज करेगा ना। हर टॉपिक की नहीं, मैं तो एडवांटेज और देखो डिसएडवांटेज ऐसे है। क्या हाँ आप मैं भी आपको जस्ट बता ही और रहा भी हूँ कुछ? कि हर टॉपिक की एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होती है, तो ये समझ लीजिए कि डिसएडवांटेज है। अब जैसे कि अब तो ये जी पिवट हो गई, अब मान लीजिए कि मुझे कैलकुलेशन विथ इन फील्ड करना है, ठीक है ना, जैसे कि मेरे पास एमआरपी और क्वांटिटी है, बट मेरे पास इसमें टोटल नहीं है, इसका मल्टीप्लाई करके टोटल नहीं है, टैक्स नहीं है, कमीशंस नहीं है, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं ना। तो जैसे मैंने यहाँ पे जोन का लिया और जोन का हमने टोटल यहाँ ले लिया, अब मैं यहाँ पे एमआरपी, एमआरपी का टोटल तो गलत होगा ना, मुझे रेवेन्यू निकालना है, मतलब कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी, तो अमाउंट मुझे निकालना है। तो इसके लिए आप ऊपर एनालाइज आपको दिख रहा होगा, इस एनालाइज वाले फील्ड पे जाए, कैलकुलेटेड फील्ड आपको दिख रहा होगा, तो यहां पे मैंने लिखा अमाउंट और यहां पे इक्वल हमने क्वांटिटी को इंसर्ट किया, मल्टीप्लाई एमआरपी को इंसर्ट किया, तो क्वांटिटी एंड एमआरपी हमने मल्टीप्लाई करके जैसे इसको हमने ऐड किया एंड ओके करता हूं, तो यहां पे इन सबों का टोटल आ गया, ठीक है सर। या फॉर्मूला नहीं दिखेगा? हाँ टोटल इसने 18,500 जितने भी इसके अंदर क्वांटिटी और एमआरपी का तो टोटल था उसको मल्टीप्लाई करके दे दिया यहाँ, जैसे कि इसको इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इस तरह से मल्टीप्लाई करके ऐसे नहीं, यहाँ फॉर्मूला पे फॉर्मूला नहीं दिखेगा सर। नहीं दिखेगा सर। अच्छा, और यहाँ पे अभी जैसे क्वांटिटी या एमआरपी चेंज हुई तो वो डाटा चेंज कर देगा? हाँ नहीं डेटा, हाँ यहाँ जब चेंज होगा तो ये अपने आप को, अपने आप को अपने आप नहीं करेगा, आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा।
ठीक है, इसी तरह से कुछ और करना चाहते हो, जैसे कि मैं और जाता हूं, मैं चाहता हूं कि इसका टैक्स निकालना 18% या हाँ टैक्स निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ये जो अमाउंट या जो कैलकुलेटेड अमाउंट है उसी फील्ड को लिया और मल्टीप्लाई बाई 18% कर दिया, और जैसे ऐड करके ओके किया तो इसका 18% कैलकुलेट होके यहाँ पे आ गया। मुझे इसमें 2% की कमीशन भी निकालनी है तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटेड में जाऊंगा और यहाँ पे कमीशन, और यहाँ पे हम अमाउंट इंसर्ट किया और मल्टीप्लाई बाई 2%, तो हमारा ऐड किया तो यहाँ पे हमारा कमीशन निकल गया। हम बाकी सबको जोड़ के एक टोटल अमाउंट निकालना चाहते हैं तो भी हम यहाँ पे कैलकुलेटर फील्ड में यहाँ पे टोटल का देते हैं और फिर यहाँ पे हम इक्वल अमाउंट प्लस टैक्स प्लस एंड कमीशन देते हैं और इसको ऐड करके ओके करते हैं, यहाँ पे टोटल आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वगैरह ही कर सकते हैं? जी नहीं, आप इसमें चाहे तो अपना ये भी कर सकते हैं, मतलब कि जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो मैथमेटिकल फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल म्यूट रखिए विनायक जी, गलत बात है सर। अब यहाँ पे जैसे कि हम सेल्स पर्सन ले लेते हैं और सेल्स पर्सन की हम यहाँ पे क्वांटिटी ले लेते हैं। चलिए, अब इसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि इसमें जो इंसेंटिव देना है तो इंसेंटिव का स्लॉट ये है कि बिलो 5,000 हमें इंसेंटिव देना है 50,000 रुपीज, या और 5 से 10 हजार के बीच में देना है 75,000 और 10,000 से ऊपर वाले, नहीं माफ कीजिएगा, 0 से 10,000 पे हमें देना है 50,000 और 10 to 15,000 के बीच में जो है वो देना है मुझे 75,000 और ग्रेटर देन 15,000 को देना है 1,00,000 रुपीज इंसेंटिव। तो हम कंडीशन लगाना चाहते हैं तो नॉर्मली हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि इफ B4 is less than equal to 10,000 तो यहाँ पे 50,000 आए। एंड अगेन इफ लगाते हैं कि इफ B4 इज लेस देन इक्वल टू 15,000 तो 75,000 आए, अदरवाइज 1,00,000 है। तो ये हम जो मैन्युअली लगाते हैं फॉर्मूला, हम ये चीज करना चाहते हैं यही पे, मतलब कि पिवट का पार्ट करना चाहते हैं। तो हम कैलकुलेटेड फील्ड में आते हैं और यहाँ पे हम INC इंसेंटिव नाम का फील्ड बनाते हैं और यहाँ पे इफ फॉर्मूला देते हैं कि इफ हम जाते हैं क्वांटिटी को सिलेक्ट करते हैं, क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 10,000 तो 50,000 होना चाहिए। उसके बाद फिर एक इफ का फॉर्मूला लगाते हैं और सेम क्वांटिटी को लेते हैं, या फिर हम सिर्फ मैनुअली लिख भी सकते हैं कि क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 15,000 तो 75,000। अदरवाइज 1,00,000। और दो इफ तो दो ब्रैकेट क्लोज करके हमने इसको ऐड कर दिया एंड ओके कर दिया। देखिए आपके सामने रिजल्ट है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, डेटा में एक नया सेल्स पर्सन को ऐड करता हूं, जैसे कि मोहन। मोहन तो है ही है, टीना कर देता हूं ऐड। अब इसमें हम बस डेटा को रिफ्रेश करते हैं ताकि टीना ऐड हो जाए। टीना ऐड हो गया और उसको 50,000 मिला, ठीक है सर, समझ में आया।
तो इस तरह के मैथ आपकी जो एक्सेल की सी फॉर्मुलेज है वो भी आप पिवट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मुझे ऐड करना हो, जैसे मान लीजिए कि पूजा और टीना जो है हमारा, ये दोनों एक ही फील्ड में मिस्टर बीडी सिंह का है, तो मुझे मिस्टर बीडी सिंह का सेल निकालना है। इसमें दोनों बीडी सिंह का सेल के जो टोटल कैसे निकलेगा, तो इसमें आपको यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड दिख रहा होगा, उसी के नीचे कैलकुलेटेड आइटम है। ध्यान रखिए कैलकुलेटेड आइटम आपका तभी एक्टिवेट होगा जब आप इस पे कर्सर रखेंगे। इस पे कर्सर नहीं रहेगा, यहाँ पे कर्सर अगर नहीं है तो कैलकुलेटेड आइटम आपका एक्टिवेट नहीं होगा। तो हमने क्या किया, जैसे कर्सर रखा एंड एनालाइज में कैलकुलेटेड आइटम पे गए। ओके, ये पिवट टेबल में सपोर्ट नहीं कर रहा, ऑलरेडी कैलकुलेशन हो रखा है ना, इस कारण से दिक्कत दे रहा है। तो मैं दूसरा पिवट टेबल बनाता हूँ। तो यहाँ पे हमने सेल्स पर्सन, एंड हम यहाँ पे देते हैं क्वांटिटी। ओ सॉरी, कुछ दिक्कत है इस डेटा में, कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए हम नया एक डेटा पे जाता हूँ, बताता हूँ। कई कैलकुलेटर आइटम हर डेटा हर चीज पे नहीं लगता है सर, बल्कि बहुत सारे कैलकुलेशन आपने कर रखा है उसमें चाहो लगाना तो नहीं लगता है। सेल्स पर्सन क्वांटिटी, और यहाँ पे हम देते हैं कैलकुलेटेड फील्ड, नहीं कैलकुलेटेड फील्ड नहीं, कैलकुलेटेड आइटम, कैलकुलेटेड आइटम। अब यहाँ पे मैं मान लीजिए कि बीडी सिंह का नाम दे दिया, और यहाँ हम सेलेक्ट करते हैं सेल्स पर्सन में पूजा को, इंसर्ट प्लस हम देते हैं यहाँ पे टीना, टीना को, इन दोनों की सेल की जो आइटम आई है उसमें से इसको जो है आधा मिलता है, तो इसको हम डिवाइड बाय टू करते हैं। तो बीडी सिंह को मिलता है पूजा और टीना के जो भी सेल्स करेगा उसकी डिवाइड बाय टू आधा जो है उसको मिला जाएगा। तो डिवाइड बाय टू हम करके इसको ऐड करते हैं एंड ओके करते हैं, तो यहाँ पे बीडी सिंह का सेल आपको दिख जाएगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेटर आइटम को भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब प्रॉब्लम ये आती है, कोई फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है, कोई ऐसे माने पिवट आपके सामने आया उसमें बहुत सारे कैलकुलेशन है, आपको पता नहीं लग रहा है कि कौन सा कैलकुलेशन कैसे, आप ट्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो एनालाइज में आप जाएंगे और यहीं पे लिस्ट फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे, तो जो भी कैलकुलेशन होगा वो कैलकुलेशन का रिकॉर्ड यहाँ आ जाएगा। जो भी आपने फॉर्मूला लगा रखा है या कुछ और लगा रखा है, या जैसे ये है, इसी में मैं आता हूँ एनालाइज, और यहाँ पे लिस्ट फॉर्मूला, ये देखिए इसमें 16 ऑर्डर है, एक पहला है अमाउंट का, दूसरा टैक्स का, तीसरा ए का, चौथा टोटल का, तो जो भी कैलकुलेशन होगा उसकी एक नई शीट पे दे देगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि हाँ ये इस तरह से कैलकुलेशन किया गया है। ठीक है मनोज जी, मनोज जी अभिनायक जी, समझ में आया कैलकुलेशन जी? कैलकुलेशन को और ज्यादा समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो वो प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस कीजिए, प्रॉब्लम होगी तो